कैसे हो भाई लोग। आज की वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं, आज संडे का दिन है। पूरा दिन तो आपको मालूम है कि हम व्लॉग का चैनल में व्लॉग बनाते हैं, लेकिन अभी बना नहीं पाए हम। ठीक है, तो हम शाम को एक मूवी देखने गए थे। आपको मालूम है कि एक जोन इब्राहिम की एक मूवी आई है, सत्यमेव जयते, ठीक है, 2 दूसरा पार्ट आया हुआ है। अब आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, या सिख हो, या कोई भी हो, ठीक है, मैं देखता हूँ कि जैसा सुनने में आया है अभी कि इस मूवी का उतना क्रेज नहीं है, कि लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हो, इनकम भी ये मूवी उतनी नहीं कर रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, उस मूवी में जो इंडिया का असलियत चेहरा है ना, वो दिखाया गया है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी करप्शन उसमें भरा हुआ है, हर जगह भरा हुआ है, तो वो चीज़ उसमें दिखाया गया अच्छी तरीके से पूरे मूवी में। मैं अभी देख करके आ रहा हूँ पूरी मूवी को, तो लगभग इसीलिए हम वो लोग नहीं बना पाए हैं। पूरे मूवी के अंदर आपको फनी सीन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, यानी आपके पैसा वसूल ही होंगे उसके अंदर, इतना पक्का है। ठीक है, एक तो पैसा वसूल होगा आपका। अगर आप लोग नए यूज़र हो, जो भी हो, तो मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो से हटिएगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि इंडिया का असलियत चेहरा जो होता है ना, वो दिखाया गया है। ठीक है, हम लोग जो भी नए युवा पीढ़ी है, जो भी हमारे दौर के हैं, तो देखता हूँ मैं कि वो ज़्यादातर इन मूवी को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, पसंद नहीं करते हैं, तो तुमको क्या रोमांस ही चाहिए, एक्शन चाहिए, जो रियलिटी है, जो वाकई में असलियत है। अगर आप वो मूवी देखने के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है, जॉन इब्राहिम की जो मूवी आई है सत्यमेव जयते 2, अगर इस मूवी को आप देखने के लिए बैठ जाइएगा, मैं वादा करता हूँ आप लोग से कि पूरे मूवी में आपको है ना, वो बांध के रखेगा, हटने नहीं देगा। भले उसका जो सस्पेंस है ना, वो खुल जाता है आधा एक घंटे के बाद, लेकिन पूरे मूवी में आपको अच्छी तरीके से बांध के रखेगा, आपको हटने नहीं देगा। इस तरीके की मूवी बनाई गई है और वाकई में रियलिटी है, जो इंडिया में होता है, करप्शन है, हर चीज़ में भरा पड़ा है, हर चीज़ में आपको अच्छी तरीके से मालूम है करप्शन है। अगर आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई काम करवाना है उसमें पैसा दो, या ब्रिज बनता है, पुल बनता है, या कोई भी चीज़ बिल्डिंग बनता है, सरकारी माला, उसके अंदर पैसा खाते हैं वो लोग। ईमानदारी नाम का कोई चीज़ होता है ना, जो अभी ज़्यादातर ख़त्म हो गया। मान लो कि ईमानदारी नाम की जो चीज़ है अभी इंडिया के अंदर मैं देखता हूँ, तो 10% की पास होगा 100 में से, बाकी के 90% करप्शन ही है। ये है, आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे तो आप लोग को पता होगा, ये चीज़ आप पे भी बीता होगा। कोई भी काम के लिए आपको 25, 50, 2,000, 10,000, 2 लाख तक या करोड़ों तक रिश्वत दिया जाता है, तब जाके वो काम होता है। उस मूवी में मुझे नहीं पता कि कैसा चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या देखने नहीं जा रहे। आपको मालूम होगा अभी सलमान खान की भी एक पिक्चर आई हुई है, तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। चलो, कोई नो डाउट, आप देखिए, ठीक है, मूवी को देखिए, लेकिन मेरा कहना ये है, तो जिस मूवी से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, कुछ जानकारी मिलता है, कोई अच्छा डिफेक्ट आपके ऊपर छोड़ता है जो मूवी, तो उस पर भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। अगर आप आधा घंटा सिर्फ देख लेंगे ना उस मूवी को, मैं वादा करता हूँ कि आप उस मूवी को छोड़ेंगे नहीं, आधे में नहीं छोड़ेगा, जब तक तो पूरी मूवी ख़त्म ना हो जाए। उसके अंदर क्या है, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, उसके अंदर आपको फाइटिंग भी मिलेगा, एक्शन भी है उसके अंदर अच्छी तरीके से, भर भर के एक्शन है और फनी सीन भी है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन बाय चांस हो जाए, जो उसमें पुलिस वाले का काम जॉन इब्राहिम ने किया है, तो अगर इंडिया में हर स्टेट में अगर एक भी आ गया है ना, वाकई में मैं मानता हूँ कि करप्शन दूर हो जाएगा। उसमें राजनीति का भी गंदा से गंदा चीज़ दिखाया गया है, किस हद तक लोग गिरते राजनीति में, लेकिन जब पावर में आते हैं तब तो वो अपना रंग क्या दिखाते, ये भी बताया गया है। तो अगर आप लोग ने सब हीरो का मूवी देखते, सलमान खान का देखते, तो एक बार अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हो,
तो इस मूवी को भी एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वाकई में मूवी काफ़ी पसंद आया है हमको, काफ़ी पसंद आया। अगर आप ध्यान से इस मूवी को देखें फोकस करके, बीच बीच में आप हंसेंगे भी खुश भी रहेंगे। और जो असलियत चेहरा है राजनीति का हो गया, करप्शन का हो गया, वो सब चीज़ इसमें अच्छी तरीके से बताया गया है और समझाया गया है। यानी इसमें आप मूवी में बोर बिल्कुल नहीं होगे, आपके पैसे बर्बाद बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो अगर आप लोग थंबनेल के ऊपर जो फ़ोटो देखे हैं, तो इस फोटो देख कर क्या है, तो प्लीज़ अगर ये पूरा वीडियो देख रहे हैं आप, तो हमारे चैनल पे नए यूज़र हो आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दे। मैं ब्लॉग का चैनल है मेरा, मैं मूवी का कोई आपको डिटेल नहीं बताता हूँ कभी भी, लेकिन मैंने जो देखा हो, जो महसूस किया हो, जो फीलिंग किया हो, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दे। मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करने का, जो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी, तो इस वीडियो को अपलोड किया हो, अगर आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को प्यार दीजिए और कोशिश करिए। अगर आप लोग ये मूवी देखने के शौकीन हैं, जो युवा पीढ़ी है, तो वो उनको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको पसंद आएगा, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ, आपके पैसे बर्बाद नहीं जाएंगे। मैं अभी देख कर के आ रहा हूँ, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस मूवी में जितना देर आप ध्यान से देखते जाइएगा, उतना आप बनते जाइएगा इससे। क्योंकि जो भी चीज़ होता है, ये सब आपका देखा हुआ होगा, जो भी चीज़ में बताया जाता है, वो चीज़ कई जने के ऊपर बीता हुआ भी होगा। तो इसके लिए कह रहा हूँ मैं, अगर आप लोग मूवी देखने के शौकीन हैं, सलमान खान का जो अभी पिक्चर आया है वो आप देख रहे हैं, तो एक बार इसको भी ज़रूर देखिए। देखिए अगर इस तरीके की मूवी है, हम लोग शौकीन है मूवी के, अगर इस तरीके की मूवी देखते हैं, तो उनको भी क्रेज़ बनता है कि और इस तरीके की मूवी बताए। और हो सके तो जो मूवी में बताया गया, आपको समझाया गया है, तो उस चीज़ पर आप जितना हो सके अमल ज़रूर करें। बाकी मैं तो यही कहूँगा, अगर आप लोग मूवी देखने के शौकीन हैं, तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मूवी वाकई में काफ़ी पसंद आया हमको। हम जब देखने गए थे, देख कर के आए हैं, मुझे आधा घंटा एक घंटा कुछ हुआ, एक काम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये अपलोड हो सके तो मैं कल इस वीडियो को करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, अगर मूवी देखना चाहते हैं तो आप एक बार उसको ज़रूर जाके देखिए। मैं मानता हूँ नेट पे भी मिल जाएगा, डुप्लीकेट मिल जाता है, लेकिन जब भी आप इस मूवी को देखिए, कैसे भी देखिए, मेरे को उस मैं वो नहीं कहता हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि टॉकीज में ही जाके देखिए, जहाँ पे भी देखिए, ध्यान लगा के फोकस करके उस मूवी को देखिए, शांति से, आपको बहुत पसंद आएगा ये मूवी। क्योंकि हम लोग खुद गए थे देखने के लिए, एकदम मन को दिल को उसने बांध लिया था, उठने ही नहीं दे रहा था सीट पे से। मूवी में वो चीज़ आपको मिल जाएगा, यानी पैसे जितने दिए नहीं होंगे उससे कई गुना वसूल उसके अंदर हुए। काफ़ी दिन के बाद ऐसा मूवी मेरे नज़र के सामने आया है, जो मुझे ऐसा लगा है, क्योंकि जो असलियत में मज़ा आता है ना देखने में, जो हुआ रहता है, जो हो रहा होता है, उसका मज़ा कुछ और होता है। और जो हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया हमें दिखाया जाता है, उसका बात अलग रहता है। जो असलियत है, जो इंडिया में होता है, जो राजनीति में होता है, वो सब उसके अंदर दिखाया गया है। तो आप लोग फिर मूवी देखिए, अगर आप देखने के शौकीन हैं, तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे जल्दी हमारा दूसरा व्लॉग आ जाए। अगर नए यूज़र तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें। अगर इस वीडियो को अगर प्यार मिलता है आप लोग का, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक कोई ना कोई मूवी देख करके आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँ। तो मिलते हैं हम आप सबसे नेक्स्ट वीडियो।